नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम अमनदीप कौर। मैम, आप आज डेरा सच्चा सौदा में, आपको क्या लगता है कितने लोग आए हैं आज? मैम, गिनती करके नहीं बताया जा सकता, अभी इतनी लाखों की तादाद में आज सत्संग जहाँ पे पहुंची हुई है। क्या प्रोग्राम क्या है मैम? मैम, आज हमारे पूज्य गुरु सैंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा जी का जन्म का मंथ चल रहा है, तो उनके जन्म की खुशी में हमने यहाँ पे भंडारा मना रहे हैं मौजपुर धाम बुद्रावाली श्री गंगानगर में। मैम, भंडारा किस तरीके से मनाते हो आप लोग, मतलब क्या काम करते हो? मैम, हमारे पूज्य गुरु सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, उन वो ही कार्य करके हम उनको एक बर्थडे गिफ्ट देते हैं। उनकी यही प्रेरणा कि आज जैसे भी आप हमें बर्थडे विश करना चाहते हैं, आप हमें गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य करें, और आज उन्हीं कार्यों को करने के लिए हम भंडारे के रूप में मना रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे खूनदान करवाते हैं वो, जैसे आज हमारे यहाँ भंडारे में लोगों को राशन दान किया जाएगा, जो गरीब परिवार हैं, जो जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको राशन दिया जाएगा, जो लाचार हैं चल नहीं सकते उनको व्हीलचेयर दिए जाएंगे। मैम, बहुत से कार्य ऐसे किए जाएंगे। आप कैसा महसूस करते हो मैम इस आश्रम के साथ जुड़कर, संत जी के साथ जुड़कर? मैम, हमें बहुत खुशी होती है, हमारे गुरु जी जैसा ना दुनिया में कोई था ना है, हमें लगता है भी कोई होगा भी नहीं ऐसा। हम यहाँ पे आके बहुत ही सिक्योर फील करते हैं, जैसे कि हम किसी रिश्तेदारों में कि कहीं भी चले जाएं, आजकल आपको पता ही है भी लेडीज सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम डेरा सच्चा सौदा में किसी भी आश्रम में, चाहे वो राजस्थान में है, पंजाब में, हरियाणा में, कोई भी आश्रम में चले जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी मतलब अनसिक्योर फील नहीं होता, हमें ऐसे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी हमारी कहीं नहीं है। मैम, लेकिन काफ़ी कुछ मीडिया में दिखाया गया था, पब्लिक के माइंड में जो इमेज है, आप अपने फैक्ट्स के द्वारा क्या बताना चाहोगे? मैम, हम उनको यही बताना चाहेंगे कि आप एक बार आके यहाँ पे देखो, भी आपको खुद को फील होएगा, भी आप अपने किसी की बात को सुनकर ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए, अपने को खुद आके यहाँ पे देखना चाहिए भी अपने यहाँ पे क्या चल रहा है। और मैं उनको यही अपील करना चाहती हूँ कि पूज्य गुरु जी हैं, उनके जैसा ना तो कोई था ना है, और हमें लगता नहीं है कि ऐसी शख्सियत जहाँ पे कोई पैदा भी होएगी, क्योंकि गुरु जी ने इतने मानवता भलाई के काम किए हैं, और ये जो उनके लगाए गए एलिगेशन बिल्कुल झूठ हैं। और मैं उनको यही कहना चाहूँगी, एक बार आप डेरा सच्चा सौदा में आकर देखें, आपको खुद पता चलेगा कि हम गुरुजी से इतना प्यार क्यों करते हैं, हम यहाँ पे अपने आप को इतना सेफ क्यों महसूस करते हैं। ज़रूरत लगती है मैम उनके वापस आने की? सर, मैम बिल्कुल, हमें मतलब पूरे समाज को ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी के जाने के बाद समाज में बहुत, जैसे कोरोना जैसी महामारी, हमने कभी ऐसे अपने गुरुजी के होते हुए नहीं सुना था कि हमें कभी कोई बुखार तक नहीं होता था, लेकिन मैम हमने बहुत ज़्यादा लोगों को जाने जाते हुए देखी है, उनकी भी बहुत ही कहने सुनने से परे है। मैम, पूरे समाज को उनकी इतनी ज़रूरत है कि हमारी यही गवर्नमेंट से भी अपील है कि जल्द से जल्द पूज्य गुरुजी को परमानेंट यहाँ पे भेजा जाए हमारे पास, उनको रिहा किया जाए। उनके आने से कैसे बदलाव आएंगे मैम, कैसा माहौल होगा? मैम, उनके आने से बहुत ही बदलाव आएंगे, हमारा यही मानना है कि पूज्य गुरुजी के आने से ये बीमारियाँ तो ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि जैसे कि जगह जगह पर महासफाई अभियान चलाए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, पूज्य गुरुजी की पावन प्रेरणा से ये सफाई अभियान चलाए जाते हैं, इनको ये सफाई अभियान इसलिए चलाए जाते हैं कि जैसे मतलब गंदगी से ही बीमारियाँ फैलती हैं। मैम, उनकी यही प्रेरणा है कि अपने साफ सफाई घर से लेकर आस पड़ोस कस्बा मोहल्ला, अपने कहीं भी रहते हैं, अपने पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, और उनकी प्रेरणा से वो आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई महाअभियान होंगे तो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनकी बहुत ही ज़रूरत है। आज समाज में बहुत ही बुराइयाँ भी फैल रही हैं, और जैसे कि मतलब नशों की लत आजकल युवा को बहुत लगी हुई है, तो हमें यही है कि हमारे पूज्य गुरुजी ने हमें नशों को छोड़ने की प्रेरणा दी है, और उनकी पावन प्रेरणा से आज हम कोई भी नशा नहीं करते हैं मैम, और उनको समाज में अभी लाया जाए, हमें हमारी सरकार से भी यही अपील है कि आप उनको लेके आएँ, क्योंकि उन्होंने अब जैसे बरनावा जुप्पी आश्रम में पूज्य पिताजी पैरोल पर आए हुए थे, तो करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ा है वहाँ पे, इतने लोगों ने, लाखों लोगों ने नामदान लिया, और कुछ लोगों ने मतलब सत्संग सुन के इतना प्रभावित हुए हैं कि उनको लगता है कि गुरुजी जैसा समाज में कोई नहीं है, और हम सरकार से ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी कि पूज्य गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा करके यहाँ आश्रम भेजा जाए हमारे पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।